एक ऑकवर्ड सी मोमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है आर्म्स एंड लेग्स के अंदर। डिमेंशिया के अंदर जो है वो मेमोरी प्रॉब्लम, मेमोरी डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, और ये भी चूंकि ब्रेन का प्रॉब्लम है और क्रॉनिक डिजीज है, दैट इज आल्सो लाइक मेमोरी डिसऑर्डर, दिस इज द डिमेंशिया। इसके अलावा हेलुसिनेशंस जो है वो क्रिएट हो जाती है हेलुसिनेशंस के अंदर, यानी कि पेशेंट जो है वो उन चीज़ों को महसूस कर रहा होता है, देख रहा होता है, जो चीज़ें वैसे नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती या देखी नहीं जा रही होती, तो उस वो कंडीशन हेलुसिनेशन की कंडीशन होती है। पैरानोया जो है दैट इज आल्सो अ मेंटल डिसऑर्डर, एंड शिजोफ्रेनिया दैट इज आल्सो अ मेंटल डिसऑर्डर, जिसके अंदर जो है वो परसेप्शन या सोचने समझने की सलाहियत खत्म होना शुरू हो जाती है, चीज़ों को परसीव करना और थिंकिंग जो है इसके अंदर जो है वो बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाती है इन कंडीशंस के अंदर। तो दैट इज द डिफरेंशिएटेड द बोथ ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एनीमिक टाइप्स, एनीमिक क्लासिफिकेशन। अब अगर हम बात करें साइंस ऑफ एनीमिया की, तो साइंस ऑफ एनीमिया के अंदर दैट इज द ब्रिटल नेल्स, और इसके अलावा कोइलोनाइकिया जिसमें स्पून शेप नेल्स बन जाते हैं, जिस तरह हमने पहले बात की इसके हवाले से कि जो है वो अपवर्ड कर्वेचर लाइक शेप बनी होती है स्पून्स की। इसके अलावा एट्रोफी ऑफ द पेपिला ऑफ द टंग, एंगुलर स्टोमेटाइटस, ब्रिटल हेयर होना, डिस्फेजिया एंग्लोसाइटस, और प्यूमर विंसन या कैली पेटरसन जिसे कहते हैं, दैट इज द साइंस ऑफ एनीमिया। एंगुलर स्टोमेटाइटस के अंदर जो है वो यूं कंडीशन होती है कि जहाँ पर हमारे लिप्स आपस में मिल रहे होते हैं उन जगहों पर जो है वो रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, या जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है, या फिर जो है वो रेडनेस और स्वोलन पार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो जगह जहाँ पर हमारे दो लिप्स जो है वो आपस में मीट कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, उन जगहों पर जो है वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इसे हम लोग इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटस। और ब्रिटल हेयर, एज यू ऑलरेडी नो ब्रिटल हेयर का, डिसफेजिया के अंदर ये होता है कि जो खाना खाना या खाने को इनटेक करना ये मुश्किल हो जाता है, स्वेलविंग करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, डिस्कम्फर्ट पेशेंट फील करता है उससे, और खा पेशेंट जो है वो खाना खा भी नहीं पाता सही तरीके से, तो दैट इज़ द डिस्फेजिया कंडीशन। ग्लोसाइटस के अंदर जो है वो टॉन्ग इन्फ्लेमेशन को ग्लोसाइटस कहा जाता है। प्लूमर विंसन के अंदर जो है एक वेब लाइक मेम्ब्रेन ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है थ्रोट के अंदर, और ये भी जो है वो अगर इसको कवर ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए, तो ये एक कैंसर की तरफ लेके जा रही होती है कंडीशन, जो ज़्यादातर एसोफेजियल कैंसर जो होता है उस तरफ पेशेंट को लेके जाती है ये कंडीशन। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स के अलावा हवाले से कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। एनीमिया के सिम्टम्स के हवाले से कुछ ओवरव्यू देखने के लिए हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं, एक बड़ी अच्छी डायग्राम है ये वाली, दैट इज सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं रेड जो है जहाँ पर है एग्जिबिट आ सीवियर एनीमिया, जहाँ जहाँ पर रेड जो है वो पॉइंट हुआ हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ब्रेन से, दैट इज़ द सेंट्रल, और सेंट्रल में हमने पहले बातें की फटीग, डिजीनेस और फेंटिंग हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हम आइज़ की बात करें तो आइज़ येलो हो जाती हैं। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन भी पेल और कॉर्डनेस और येलविंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन का कलर जो है वो इस तरह हो जाता है। और फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी की अगर हम बात करें नीचे, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, मसल्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, और इंटेस्टाइनल यूं प्रॉब्लम होती है कि स्टूल का कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट के अंदर पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, रैपिड हार्ट रेट हो जाती है, चेस्ट पेन, एंजाइना, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसके बाद जो स्प्लेन है, स्प्लेन के अंदर जो है वो स्प्लेन एनलार्ज्ड हो जाती है। तो ये अगर हम ओवरव्यू देखें तो किस तरीके से इस डायग्राम के थ्रू हम सिम्टम्स को इजीली लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, कि हम स्टार्ट करें ब्रेन से स्टार्ट करें और हम नीचे जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ आएं, तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स बन सकते हैं।
उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस की तरफ आते हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस को हम लोग देखते हैं। रेड सेल पॉपुलेशन को डिफाइन जो है हम करेंगे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के थ्रू और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स के थ्रू। यानी क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स में हम लोग जो है वो हिमेटोक्रिट, जिसमें पैक सेल्स का वॉल्यूम देखा जाता है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, और इसके अलावा रेड सेल कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के अंदर इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्वालिटेटिव पैरामीटर्स के अंदर मीन कॉर्पुसल वॉल्यूम देखेंगे, और इसके अलावा मीन कॉर्पुसलर हीमोग्लोबिन देखेंगे, और MCHC मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस को देखेंगे। हेमाटोक्रिट जो है दैट इज अ पैक्ड सेल वॉल्यूम, और ये क्या होता है, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल दैट इज ऑक्युपाइड बाय द RBCs। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि RBCs ने कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई किया हुआ है ब्लड के सैंपल के वॉल्यूम के अंदर। तो ये मेन के अंदर ये वैल्यू है, वुमेन में ये है 36 to 48, और ये जो है दैट इज द हिमाटोक्रिट पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसके बाद सेल वॉल्यूम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड। यानी कि एक वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड में हम हीमोग्लोबिन की अमाउंट को देखते हैं वो कितनी है। तो मेन वुमेन के अंदर 12 to 16, या मेन में 14 to 17 ग्राम GMS पर डेसीलीटर भी हम कहते हैं, ग्राम्स पर डेसीलीटर भी हम लोग इसे कहते हैं। और इसके बाद ये सेल वॉल्यूम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आ जाती है। इसी तरह रेड सेल काउंट टोटल नंबर ऑफ RBCs पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल, RBCs टोटल नंबर को देखना दैट इज द रेड सेल काउंट। और इसकी भी वैल्यूज जो है वो मेन के अंदर 4.2 to 5.4 × 10⁻⁶ पर मिलीमीटर क्यूब है, और वुमेन के अंदर 3.6 to 5.0 तक। मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो है दैट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द RBCs, और इसकी जो वैल्यू है ये 82 to 98 मिलीमीटर पर क्यूब है, या FL के अंदर हम लोग देखें। और दूसरा मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन दैट इज द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट पर RBC। और यानी कि हम हीमोग्लोबिन के यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये नाम से आप लोगों ने जेहन में रखना है दैट इज द MCV कार्पस्कुलर वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम ऑफ द RBC। फिर अगर हम यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात करें तो यहाँ पर हम एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट देखेंगे, चूंकि मीन हम निकाल रहे हैं तो दैट इज द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट पर RBC। पर RBC जो है वो हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो कितना है, कितना RBC इसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है, उसको हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू 27 to 31 PL है, PL दैट इज द पोइसोले यूनिट। और उसके बाद मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, ये एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है किस में, इन अ गिवन रेड सेल वॉल्यूम, यानी कि रेड सेल का जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो एवरेज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन वो कितनी है, दैट इज मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो ये नॉर्मल जो है 32 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। मैनेजमेंट के अंदर केयर ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट इज जिसमें अंदर डिटरमाइन द कोज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, हम जो है वो पहले आयरन डेफिशिएंसी के कोज को डिटरमाइन कर सकें कि क्या वजह है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करें और फिर उसको ट्रीट करें। और फिर अगर हम एम ऑफ ट्रीटमेंट में देखें तो एम ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर यह है कि हमारा मकसद भी होता है कि हम हीमोग्लोबिन लेवल को नॉर्मल करें, और इसके अलावा जो है वो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दैट डिजीज स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइंग कॉज, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट्स के अंदर इट इज रिकमेंडेड दैट पेशेंट्स विद आयरन डेफिशिएंसी रिसीव डाइटरी एडवाइस। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर देखिए टी एंड कॉफ़ी जो है आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है जब भी कंज्यूम होती है विद अ मील और शॉर्टली आफ्टर अ मील। फिर विटामिन सी की बात करें, स्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो अ पावरफुल इनहेंसर ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम नॉन मीट फूड्स व्हेन कंज्यूम्ड विद अ मील। तो इसीलिए विटामिन सी जो है दैट इफेक्ट्स ऑन द आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद द क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी इन द मील। और इसके बाद जर्मिनेशन एंड फर्मेंटेशन ऑफ द सीरियल्स एंड लेग्यूम्स जो है दैट इज आल्सो इम्प्रूव द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ आयरन बाय रिड्यूसिंग द कंटेंट ऑफ फाइटेट और सच अ सब्सटेंस इन फूड दैट इनहिबिट्स आयरन एब्जॉर्प्शन। तो ये यानी कि फूड के अंदर ऐसे सब्सटेंस है जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है। इसके अलावा प्रोमोट एंड सपोर्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अबाउट 6 months फॉलोड बाय ब्रेस्ट फीडिंग विद अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स, और जैसे आयरन रिच थ्रू द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ।
और इसके अलावा एंटी हेलमिंथिक थेरेपी जो है विद 400 मिलीग्राम ऑफ अ सिंगल डोज ऑफ एल्बेंडाजोल इज गिवन टू एलिमिनेट द हुक वर्म्स, यानी कि अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ उस वजह से एनीमिया हो तो ये एंटी हेलमिंथिक थेरेपी दी जाती है बिफोर द इनिशिएशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड थेरेपी, यानी कि आयरन और फॉलिक एसिड थेरेपी स्टार्ट करने से पहले जो है ये पैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए एंटी हेलमिंथिक थेरेपी दी जाती है। और जो है वो अगर हम प्रेगनेंसी में देखें तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एल्बेंडाजोल इज अ कंट्रा इंडिकेटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर हम एनीमिया के लिए अगर हम लैब टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो चेक किया जाता है, इन टेस्ट के थ्रू जो है वो एनीमिया की कंडीशन को भी चेक किया जाता है, या अगर जिस पेशेंट को एनीमिया हो जाए तो उन पेशेंट्स के लिए ये वाले टेस्ट जो है वो करवाना ज़रूरी भी होता है ताकि हम डायग्नोस भी कर सकें और जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोग्नोस भी कर सकें एनीमिक कंडीशन को, यानी कि आफ्टर द गिविंग मेडिकेशन जो है वो भी प्रोग्नोसिस चेक किया जा प्रोग्नोसिस की जा सके कि एनीमी कंडीशन जो है वो ठीक हो रही है या कि नहीं हो रही। इसके अंदर जो टेस्ट आ जाते हैं इसमें सीबीसी है और स्टूल हीमोग्लोबिन टेस्ट है, इसके अलावा पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, आयरन लेवल को चेक किया जाता है, ट्रांसफरिन लेवल, फेरेटिन फोलेट, विटामिन B12 है, बिलिरुबिन लेवल है, लेड लेवल, हीमोग्लोबिन लैक्टोफ्रेसिस भी की जाती है, रेटिकुलोसाइट काउंट, LFT, RFT और बोन मैरो बायोप्सीज, ये टेस्ट जो है वो लैब के अंदर एनीमिया के लिए किए जाते हैं। और उसके बाद एनीमिया प्रिवेंशन को देखें तो एनीमिया को प्रिवेंट इस तरह से किया जा सकता है कि हेल्दी डाइट ली जाए और अल्कोहल को जो है वो यूज़ ना किया जाए या लिमिट यूज़ किया जाए। मुस्लिम्स तो बिल्कुल भी वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर इसके अलावा बात करें सीइंग अ डॉक्टर रेगुलरली और व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज रूटीन ब्लड वर्क, तो चाहिए यानी कि ब्लड डॉक्टर को जो है वो रेगुलर चेक करवाना चाहिए। उसके अलावा पेशेंट एजुकेशन टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स, टेक आयरन ऑन एन एम्प्टी स्टमिक 1 और बिफोर 2 आवर्स आफ्टर अ मील, और यानी कि आफ्टर अ मील जो है वो आयरन जो है वो लेना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट विद ओनली 1 टैबलेट पर डे फॉर अ फ्यू डेज, देन इंक्रीज टू 2 टैबलेट्स पर डे, देन 3 टैबलेट्स पर डे, इंक्रीज द इंटेक ऑफ विटामिन सी जूसेस। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है या टोमेटोज और ब्रोकोलाई है, इनहेंस द आयरन एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा ईट फूड्स हाई इन फाइबर टू मिनिमाइज प्रॉब्लम्स विद कॉन्स्टिपेशन, और रिमेंबर दैट स्टूल्स विल बिकम डार्क इन कलर, दैट इज द पेशेंट एजुकेशन टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें टाइप्स ऑफ एनीमिया है। टाइप्स ऑफ एनीमिया के अंदर 3 जो चीज़ें हैं दैट रिलेट्स टू देयर साइज एंड कलर्स हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले जो है दैट इज़ अ हाइपरक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक के अंदर जो है वो कलर जो है वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है RBCs का, नॉर्मल क्रोमिक में हमें नॉर्मल नज़र आता है, हाइपोक्रोमिक के अंदर हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता या बिल्कुल लाइट सा हमें कलर नज़र आ रहा होता है। ड्यू टू द कलर डिफ्रेंसीशंस वी डिवाइड इंटू 3 टर्म्स, हाइपरक्रोमिक, नॉर्मल क्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक। और इसके बाद ड्यू टू द साइज मैक्रोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स में यानी कि साइज RBCs का बड़ा हो जाना नॉर्मल से, नॉर्मोसाइट्स में नॉर्मल RBCs हैं और माइक्रोसाइट्स में RBCs का साइज जो है वो नॉर्मल से कम हो जाना, दैट्स आर द टाइप्स ऑफ एनीमिया। हम लोग इस इन कंडीशंस की बुनियाद पर हम एनीमिया की टाइप्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एनीमिया की क्लासिफिकेशन जो है वो 2 बुनियादों पर की जाती है, या तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हमने अभी बात की, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज में ब्लड लॉस की वजह से काम करते हैं या फिर इनएडिक्वेट प्रोडक्शन की वजह से करते हैं या फिर एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs की वजह से हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये 2 बेसिस हैं, इनको हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रीड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया की। तो इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने काफ़ी इन चीज़ों को कवर किया, दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी चीज़ें थी हमारी एनीमिया की, जिसमें हमने डेफिनेशन को देखा, कोज, सिम्टम्स, लैब इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन को हमने देखा, और क्लासिफिकेशन के हमने जो है वो थोड़ा सा हाउ नाउ किया हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया के, हम अलहदा से लेक्चर में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।